तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हैंड बाउल से राखी बांध देते हैं। राखी नहीं बांधोगे भैया? एंड अगर इस साइड के जो जाल वगैरह नहीं होते ना तो पक्का इसमें से बंदा कोई ना पक्का इसमें से गिर सकता था। चल भाई के पहले हाथ में बताओ क्या होगा जादू है? गिफ्ट है। जय मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है रक्षाबंधन और भाई आज होने वाली है जिम खाली। जितना भी जोड़ा था, जितना भी कैलकुलेट किया था, सब आज खाली होने वाला है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। बहन बांधेगी राखी और जो जितने मांगे पैसे उतना तो देना ही पड़ेगा ना। आपके घर में भी ऐसा होता है तो बता देना, और अगर नहीं होता तो आप भी जिम खाली कर देना अपने भाई की और जितनी मतलब कोई लड़की वगैरह देख रही हो तो। और फिलहाल में तो आज मैं सच बताऊँ ना, आज का ब्लॉग कोशिश करूँगा कि बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार बना सकूँ क्योंकि इसीलिए क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, पूरी फैमिली साथ में है। और वैसे क्या होता है, सभी लोग जॉब पे चले जाते हैं, कभी मैं, कभी भाई, कभी मम्मी, कभी पापा, तो घर पूरा खाली खाली सा रहता है, मतलब रूम पूरा खाली खाली सा रहता है। तो आज कोशिश करूंगा कि मत से ब्लॉग शूट कर सकूं। तो फिलहाल मैं अभी जस्ट अभी सुबह सुबह हुई, वैसे मतलब सुबह से हुआ क्या हुआ, 6 बजे तुरंत तुम्हारा भाई उठ गया। मैंने सोचा आज रील वगैरह अपलोड कर दूँ या फिर ब्लॉग कर दूँ, बट कल बनाया ही नहीं तो अपलोड क्या करता भाई। मेरे को याद ही गया, पूरे दिन बिजी रहा था मैं क्योंकि गाड़ियाँ दे नहीं थी, रक्षाबंधन आ गया था इसीलिए दिया। और बाकी पापा भी आ चुके हैं, आज पापा भी घर पे, सभी लोग घर पे, आज राखी वगैरह भी बनेगी, मिठाई लेने भी चलेंगे अपने बाइक से। तो गाइस आज तो घर पे हूँ ना, तो यार ना फुल मज़ा आ रहा है यार, फुल क्रेजी से मज़े आ रहे हैं क्योंकि यार जॉब पे रहता हूँ तो हमेशा काम 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 काम, तो यार मतलब बिजी नहीं मिलता फन करने के लिए। मतलब जिंदगी में ना कॉमेडी और मस्ती करो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, और काम में बिजी हो जाता हूँ तो फिर कर नहीं पाता। नारियल फोड़ा था एंड नारियल के अंदर का पानी निकाल रहा था मैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट बराबर में एक होल कर दिया, जैसे कि ये चेक करो, अरे गिर भी रहा है। तो इसमें होल करने के बाद नॉर्मली ग्लास में निकाल दे रहे हैं। वैसे क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली फोड़ते हैं ना तो मतलब फैल जाता है, ऐसे फैलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि नारियल को कैसे फोड़ते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी ऑन कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरा नाम लेना तुरंत टूट जाएगा। ऐसे नारियल को पकड़ना दोनों हाथों से और हाथ से ऐसे कर देना, टूट जाएगा, तो ये टूट चुका है, ठीक है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एकदम से निकल गया था वाल कटवाने के लिए, बाकी घर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे अपने बाबू आ चुके हैं। और बाबू कैसे हो? एक मस्त रेडी हो चुके हैं, बाल वगैरह चेक करो भाई, बताना कमेंट करके कैसे कटवाए। मम्मी कैसे कटवाए बाल? ठीक कटवाए, उसने पता 100 रुपए ले लिए थे मम्मी, कह रहा मैं तुम्हें एक्टिव बंदा बना दूंगा, मुझसे कह रहा गाइस ना तुम्हें बहुत स्मार्ट बना दूंगा बट 100 रुपए जाएंगे। और कह रहा मतलब दाढ़ी उड़ी में मस्त, पता नहीं क्या क्या बोला, मतलब बोले तुम्हारा फेस वॉश वगैरह कर दूंगा, बहुत कुछ उस बाल वाले ने, बंदे ने बोला था मेरे को, बंदे ने बोला मेरे को, वो भी तो ब्लॉग देख रहे होंगे। सॉरी यार भैया यार, मतलब अच्छे काटे आपने, थैंक यू। और आज पहना है काला कुर्ता पैजामा, बट काला कुर्ता पैजामा नहीं है, इसका नाम नहीं पता बट गाना आता है काला कुर्ता पैजामा गड्डी 300 मा सरदारी बाला जितते आवा लैगनी। बताना कैसा लग रहा है कुर्ता पैजामा, रखा हुआ है मेरे पास ना 5 साल से, पहना है आज में। अब खाऊंगा खाना, चेक करो खीर वगैरह बनाई है मम्मी ने एंड रसीली सब्जी, सूखे आलू और पूरी कचौड़ी। और कचौड़ी किस किस ने खाई है कमेंट करके बता देना। और सामने भाई टीवी चला लिया, काफी टाइम बाद टीवी देख रहा हूँ, मूवी आ रही है आज 20 मा। चल भाई के पहले हाथ में बताओ क्या होगा जादू है? गिफ्ट है। अच्छा वो कैसे कहते हैं, टिंगे टिंगे करके दिखाना, टिंगे टिंगे करके दिखाना, तुम कैसे करते हो? नहीं कर पाते ना, तुम नहीं कर पाते ना। अच्छा सन्ना दीदी के फोन में देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जादू। कैसे खेलते हैं इससे पता है तुम्हें? बताओ खेल के दिखाओ। ले लो तुम, ले लो। हाँ अरे वाह, तुम तो खेल लेते हो यार, किसने बताया तुम्हें खेलना? अच्छा नानी के घर, यानी कि नाना के घर, मामा के घर। तो फिलहाल अभी मामा के घर जा रहे हैं, फिर एकदम से मैंने मतलब हेलमेट वगैरह गाड़ी निकाल ली, हेलमेट पहना एंड डायरेक्टली निकल गए थे। और चलाते वक्त ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे वो इस चक्कर में, क्योंकि मम्मा भी साथ में थे एंड बहन भी, तो फिलहाल में जिस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और बाकी अभी चलते हैं, बाकी फुल एरिया वगैरह चेक कराऊंगा और नानी यहाँ की लोकेशन चेक कराऊंगा,
बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक। तो पहुंच के मिलता है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं, हैंड बाउंड से राखी बांध लेते हैं। राखी बांधोगे हाँ, तब आप राखी बांधो। हाँ, अरे ए की बोलती राखी बोलती है भैया से बोला करो, शांति हो जाती। तुम कितने उदासी हो, क्या हो गया? हंसा करो ना बाबू, ना ऐसे नहीं करते। सो गाइस अभी घूमते घूमते आ चुके हैं अपने भाई जगह का, लोकेशन का नाम तो नहीं पता है, बट इस जगह का मतलब लोकेशन है ना जो बहुत प्यारी। मम्मी वैसे अपने कहाँ आए हुए हैं? भाई नेपाल में पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ से चेक करो भाई, ये मतलब जो ये बनाया है पुलसा भाई, कितना प्यारा लग रहा है लिटरली। एक बारी पहले यहाँ से गाड़ी वगैरह भी आप ले जा सकते हो, साइकिल जैसे कि आगे चेक करो, बट भाई लिटरली कह रहा हूँ लोकेशन है ना, चेक करो भाई कितनी प्यारी है। अगर फ़ोन भी यहाँ से गिर गया ना तो सच्ची बता रहा हूँ लुक तो हो जाएगा भाई। चेक करो भाई इसे, जो ये जो वैसे भी ये जो पानी बह रहा है ना गाइस, इसे बोलते हैं शारदा नदी। और बाकी पुल चेक करो भाई, कितना प्यारा पूरा हिला है लिटरली बोल रहे हैं। इस पर जब चल रहे हैं ना तो डर लग रहा है। एंड अगर इस साइड के जो जाल वगैरह नहीं होते ना तो पक्का इसमें से बंदा कोई ना पक्का इसमें से गिर सकता था। बट इस साइड में ना ये जाल वगैरह दे रखे हैं तो इससे काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड चाबी को जिम में रख लेते हैं, अगर चाबी गिर गई तो पॉपट हो जाएगा। और बाकी लोकेशन चेक करो भाई, लोग गाड़ी वगैरह भी ले जाते हैं, जैसे कि ये चेक करो एक भैया आ रहे हैं। एंड नॉर्मली लोगों कितने आराम से गाड़ी लेके जा रहे हैं भाई। कुछ भी कहो ना गाइस, इस बारी मैं जब आया हूँ ना तो मेरे को फुल्ली मजा आया, क्योंकि यार ना क्या बताऊँ, इस बार के मजा इसीलिए आया क्योंकि रक्षाबंधन थी, बहन से राखी बंधवाना था तो इसीलिए। एंड दूसरी चीज, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो इसीलिए, तो मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ा आया। और बाकी चेक करो भाई सीन, क्या क्रेजी मज़े हैं। एंड अंधेरा हो रखा है, नहीं तो क्या बताऊँ और भी मस्त ब्लॉग बनता। और बाकी अभी मिलाते हैं मामा वगैरह से भी। और पता है अपने, ये रहे मामा एंड ये रहे अपना बाबू और ये रही मामी। मैं मामा बताऊँ ना, वैसे मैं ना मामा घूमता रहता हूँ मैं हर जगह, मेरे को पता ना कि आस पास का मतलब क्या है, राइड वगैरह भी हमारी जाती है ना, बट अब तक मैंने अपने 110-120 किलोमीटर के एरिया में ना हमारे यहाँ ऐसा पुल कहीं भी नहीं है। तो मतलब क्रेजी सा सीन हो गया, मज़ा आया फुल। मन तो कर रहा है कि इस पर ऑफ रोडिंग जैसा गाड़ी लाने का मन कर रहा है चलाने का, बट अभी गाड़ी दूर हो गई, हम लोग इस साइड आ गए इसलिए ला नहीं सकते। कुछ यहाँ पे सिनेमैटिक चेक करा देते हैं आप सभी लोगों को। एंड चेक करो सिनेमैटिक, अपने पहुंच चुके हैं घर पे। और फिलहाल में बाबू चेक करो, गोलू वो अपने बारे में बता दो, अपने बारे में बताओ, कुछ भी बताओ, बंगाली बताओ, बंगाली में। हाँ, तुम्हारा नाम की मोनिका, मोनिका। और तुम्हें भात खाई सी की दिए खाई सी शॉप भी, बट की शॉप भी दुकानदार सब्जी। एग्जाम्पल देखा गाइस, इन्होंने मैंने बोला कौन सी सब्जी से खाया, नहीं मैंने ये बोला कह रही दुकानदार से लेके आए तो वो सब्जी खाई, इसने अपनी भाषा में मतलब बोला था। हंस के दिखा दे। और गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि इस बार ना अपना बाल नहीं कटवाते यार, मैं सोच रहा हूँ क्या फ़ायदा यार, मतलब